दोस्तों आप में कितनी क्षमता है नहीं पता ना, पर मुझे पता है आप में असीम क्षमता है, आपके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, परंतु आपको उसकी पहचान नहीं है। मैं बताता हूं आपको अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है। मैं आपको एक घटना बताता हूं और घटना बिल्कुल सही है, कोई बनी बनाई घटना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई ये रियलिस्टिक घटना है। आपने नाम सुना है देश अमेरिका। अमेरिका में दो तरह के हैं वहां के रहने वाले, गोरे और काले। जो स्टूडेंट हैं हमारे देखने वाले वीडियो को, समझदार हैं, उन्हें कुछ नाम बताऊंगा, उन्हें सुने होंगे उनके नाम। डोनाल्ड ट्रंप देखा होगा आपने, वो गोरे कलर के, और सरना विलियम और जो खिलाड़ी हैं वहां की कुछ, वो काले कलर के हैं, यानी श्वेत और अश्वेत कह सकते हैं हम। तो अमेरिकी सोसाइटी समाज है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, श्वेत और अश्वेत। एक्चुअली क्या है, ये श्वेत जो होते हैं, व्हाइट कलर वाले होते हैं, वो ब्लैक कलर वालों को एक हीन भावना से देखते हैं, समझते हैं कि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं है। ऐसी घटना की बात चलती है, एक गुब्बारा बिकने वाला, वो ब्लैक कलर का था, जैसे अफ्रीकन मुल्क होते हैं, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था और सड़क के किनारे बैठा हुआ अपने वो गुब्बारे यानी बैलून को बेच रहा था। वो किस प्रकार के बैलून थे, उनमें वो एयर भरना, हवा भरना, हवा भर के उनको छोड़ देना, और छोड़ते हैं तो आप जानते हो ऊपर उड़ते आसमान में। वो वहीं से एक अंग्रेज यानी व्हाइट कलर का अपने बच्चे को घुमा रहा था सड़क पर। उसका बच्चा जब आया गुब्बारे के वाले के पास से निकल रहा था, गुजर रहा था, बच्चा रुका, पापा पापा एक मिनट रुकिए जरा। वो रुका, चुको आप जानते हो भाई माँ बाप को बच्चों की बात तो माननी पड़ती है ना, तो रुका, कहा बेटे बोलो, पापा मुझे गुब्बारा लेना है मुझे। तो उसने गया गुब्बारे वाले के पास कि बताओ कौन सा गुब्बारा चाहिए बेटे। तो उसने कहा, बेटे ने, छोटा सा मासूम बच्चा, उसको पता नहीं थी इन बातों की जो बातें आप बता रहा हूं मैं, उसने कहा कि अंकल अंकल मुझे ये व्हाइट वाला गुब्बारा दो, व्हाइट वाला बैलून में दो, उसमें हवा भरो, उसको उड़ाओ। उसने व्हाइट क्यों चुना भाई, क्योंकि रीजन वही मेंटेलिटी, सोच के व्हाइट अच्छे होते हैं अपने को, अपने आधार पर। तो खैर उसने बात मान ली, गुब्बारे वाले ने व्हाइट बैलून निकाला, एयर भरी, उसने छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो ऊपर आसमान में उड़ गया और जहां तक जाना था वहां पहुंच गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कमाल है। उसने अंकल अंकल ये रेड कलर वाला बैलून भी उड़ जाएगा। कहां बेटे ये उड़ जाएगा, कि ये किस ऊंचाई तक जाएगा, क्या वहीं तक जाएगा जहां तक ये गया था अभी व्हाइट वाला। अंकल नहीं, करके दिखाओ मुझे। उसने निकाला रेड कलर वाला बैलून, उसमें एयर भरी, उसको एयर भरने के बाद छोड़ दिया, और एयर तो सेम होती है ना, तो वो भी बड़ा बैलून रेड कलर वाला भी सेम हाइट पर गया और वहीं जाकर रुक गया जहां व्हाइट था। और उसके मन में एक और क्वेश्चन आया, उसने कहा अंकल अंकल ये काला वाला गुब्बारा बैलून है, ये ऊपर उड़ जाएगा क्या। कहां बेटे ये उड़ जाएगा, अंकल ये नहीं उड़ पाएगा। उसने कहा कहीं बेटे उड़ जाएगा, अंकल करके दिखाना मुझे जरा से। उसके अंदर वही भावना भरी हुई के ब्लैक कलर वाले होते हैं, ब्लैक वाले ये तो बस ऐसे होते हैं, ठस होते हैं। उसने निकाला ब्लैक कलर वाला, उसमें एयर भरी, फिलअप करी, और उसमें हवा भरने के बाद वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो सेम हाइट पे पहुंचा जहां दोनों बैलून पहले थे, और वो लड़का हंसा, बड़ा ताजुब हुआ उसे, अपने पापा से, डैडी डैडी देखिए वो भी वहां पहुंच गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको जो बात बताई है और ये घटना बिल्कुल सच्ची है, मेरे कहने का मतलब ये है, आप किसी धर्म के हों, जाति के हों, मजहब के हों, प्रांत के हों, गोरे हों, काले हों, कैसी भी हों, हर एक अंदर क्षमता है, हर एक अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर भी कैपेसिटी है। आप चाहे किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, कलर, किसी को बिलोंग करते हो, यदि आपने अपनी क्षमता को पहचान लिया तो आप भी उसी ऊंचाई पर पहुंचोगे जिस ऊंचाई पर गुब्बारे पहुंचे थे। आप अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए और उसका फायदा लीजिए। आप भी अपनी लाइफ में का जो टारगेट है अचीव करना है, जो हाईनेस का, वो आपको अचीव करना है। इसलिए जो आपको मैंने बताई है, आपको ये स्टोरी नहीं है, ये यथार्थ है, सच्ची बात है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी
क्षमता पहचानो और उसका उपयोग करो, दुरुपयोग मत कीजिए आप। तो मैंने आपको जो बताई आपको एक मोटिवेशन की, आपको एक स्टोरी टाइप की एक कहानी, आपको किस प्रकार लगी? क्या आप मेरी स्टोरी से मोटिवेट हुए या नहीं हुए? आपको कुछ शिक्षा मिली या नहीं मिली? कुछ आपको सीख मिली या नहीं मिली? ये मेरे चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल है संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोज, इसको सब्सक्राइब करें, इसको देखते रहिए, आपको नॉलेज की बातें मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि जो बच्चे स्टूडेंट हमारे छात्र हीन भावना के शिकार हैं, वो इससे निकलें, अपनी क्षमता को पहचानें और वो भी ऊंचाई को छुएं। जय हिंद, जय भारत।